क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है पैराबोला और लाइन से जो एरिया बाउंडेड हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम ग्राफ के थ्रू से इसके पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है तो पैराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में हो और लाइन एक्स इक्वल टू 4 है। तो सपोज ये हम इसको एक्स इक्वल टू 4 ले लेते हैं। तो पैराबोला का इक्वेशन और ये लाइन से जो एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है वो ये वाला पार्ट है। तो ये जो लाइन है इसका वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू 0। तो हम लिमिट 0 से 4 लेंगे और 0 से 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालेंगे, उसमें ये वाला पार्ट सिमेट्रिकल होगा इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हेयर वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x और हमें फाइंड करना है देयरफॉर रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 वाई डी एक्स और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रिक्वायर्ड बाउंडेड रीजन फाइंड होगा और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वल टू होगा ये अंडर रूट 16x, तो ये होगा 4√x। फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा 2 × 4 × 0 to 4 x^(1/2) dx इक्वल टू 8 और x^(1/2) का इंटीग्रेशन होता है x^(3/2 4 0 और फिर हम लिमिट को पुट कर देंगे तो ये होगा 4^3/2 -0^3/2 सो 16/3 और इस 4^3/2 को लिख सकते हैं 2^2 2^3/2 -0 16/3 और इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2³ 8 सो इक्वल टू 128/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर।